हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिबिर स्टडीशिप और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटना चक्र ठीक है और घटना चक्र में आज हम कवर कर रहे हैं ये एशियन इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है शैवा और भगवता रिलीजन ओके इससे पहले ऑलरेडी हम जैनिज्म बुद्धिज्म वैदिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन पैलोलिथिक एज हम उन सबके लिए अलग अलग जो वीडियोज़ है वो बना चुके हैं और जितने भी एम सी क्यूज़ हैं उनको हम पढ़ चुके हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है जैसे कि एम सी क्यू से पहले हम जो घटना चक्र है उसका थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने जो फर्स्ट पैरा है उसे स्टार्ट करते हैं और लेकिन अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो मेक श्योर sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाएँ अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगता है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं उनको तो ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि हम चार जो युग हैं उसमें बिलीव करते हैं जैसे कि पहला कृता त्रिता द्वापर और कलयुग जैसे कि कलयुग अब चल रहा है वैष्णव रिलीजन वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द भगवत रिलीजन जो ये वैष्णव रिलीजन है वो डेवलप हुआ है भगवत रिलीजन से जो वैश्वर्व रिलीजन है वो डेवलप हुआ है भगवत रिलीजन से लॉर्ड कृष्णा बेटे थे किनके देवकी के ऐसा लिखा हुआ है छंदोगिया उपनिषद में तो ये भी याद रखना कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनको माना गया है कि वो देवकी के पुत्र है माना नहीं गया मतलब है जो स्टोरी है तो वो जो मेंशन है वो है छंदोगिया उपनिषद इन द ऋग्वेद विष्णु इज मैंशन एज द गॉड ऑफ द स्काई ऋग्वेद के अंदर विष्णु को मैंशन किया हुआ है एज द गॉड ऑफ द स्काय बाकी तीन जो और गॉड हैं दे आर थ्री मेजर गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जिन्हें हम लेटर वैदिक पीरियड में जानते हैं वो कौन कौन से हैं प्रजापति रुद्र और विष्णु विष्णु को कंसिडर किया गया है गार्जियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल कि वो लोगों के गार्जियन है उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है वासुदेव को कि वो एक विष्णु के अवतार हैं इन विष्णु पुराण वासुदेव वॉज ऑल्सो अ नेम ऑफ विष्णु ठीक है विष्णु पुराण में भी जो वासुदेव है उन्हें विष्णु ही बताया गया है देन कृष्णा विष्णु रिलेशन वॉज स्टैब्लिश विद नारायण देन द वैष्णिज्म बिकम द पंच पंच पंचात्र धर्म ठीक है अगर मैं गलत प्रोनाउंस करी तो उसके लिए आप रियली वेरी सॉरी आपको जैसे समझ आए और जैसा सही है आप मुझे भी बताएं और आप उसको वैसे ही पढ़ें ठीक है तो यहाँ पर जो बताया है कि जो कृष्णा और जो विष्णु का रिलेशन है जो वो स्टैब्लिश होता है नारायण के साथ उसके बाद जो वैष्णिज़्म है ये ये जो पंच रत्र जो धर्म है वो बन जाता है महर्षि पन्नी की बात करें तो उन्होंने बताया है उन्होंने जो मेंशन किया है वो किया है वर्षिप ऑफ वासुदेव के बारे में ठीक है ही री ने, ही नेम्ड वासुदेव वर्षिपर एज वासुदेवक उन्होंने जो वासुदेव के जो वर्शिपर्स हैं उनको क्या नाम दिया है वासुदेवक नाम दिया है दिस रिलीजन वॉज इनिशियली प्रिवलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरिया तो शुरुआती दौर में जो ये रिलीजन था आपको मथुरा और उसके आस पास के एरियाज में देखने के लिए मिलेगा लेकिन बाद में ग्रीक एम्बेसडर आते हैं मेगा स्थनीस उन्होंने बताया है कि जब मथुरा में जो पीपल ऑफ सोसेन थे जो डायनेस्टी टाइम पर वहाँ पर रूल कर रही थी वो वर्षि पर थे हेरिकल्स के और हेरेकस यहाँ पर उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि मेगास्नीज ने यहाँ पर हेरेकस किसको बताया है वासुदेव कृष्ण को बताया है द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और जब पहली हमें स्टोन मॉन्यूमेंट मिली है ध्यान रखना ये बात कि पहली जो स्टोन मॉन्यूमेंट मिली है किससे जुड़ी हुई भगवत धर्म से ये पहली नहीं है क्या आप सोच रहे कि ये पहली ही स्टोन मॉन्यूमेंट नहीं ये पहली स्टोन मॉन्यूमेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार भगवत धर्म से जुड़ी हुई कोई स्टोन जो मॉन्यूमेंट है वो मिली है और ये कौन सी थी गरुड पिलर विदिशा यहाँ पर जो हेलियोडोरस डौर, है जो एक ग्रीक एम्बेसडर थे तक्षशिला के उनके बारे में बताया है कि इन्होंने भी जो भगवत रिलीजन है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था इस पिलर में ऐसा लिखा हुआ है ओके okay? हेलियोडोरस वॉज कॉल्ड भगवत एंड वासुदेव वॉज कॉल्ड द देव देवास जो हेलियोडोरस हैं वॉज कॉल्ड भगवत ठीक है ना और जो वासुदेव हैं उनको क्या कहा जाता है देव देवास के मतलब देवताओं के भी देवता द भगवता और द तो वैष्णव रिलीजन रीच्ड एट इट्स पीक इन द रीजन ऑफ गुप्ता किंग देखो जो ये वैष्णव रिलीजन है ये सबसे ज्यादा जो अपनी पीक पर था ये था गुप्ता जो किंग्स थे उनके टाइम पे जो गुप्ता किंग्स थे वो बहुत बड़े फॉलोवर थे वैष्णव रिलीजन के इन्होंने अपने इस रिलीजन को क्या बना दिया था पूरे स्टेट का रिलीजन बना दिया था मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर होल्ड द टाइटल ऑफ परम भगवता बहुत सारे गुप्ता रूलर ऐसे थे जिन्होंने खुद को टाइटल दिया था परम भगवता आप समझ सकते हो मतलब मतलब आप कह सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इस धर्म को मानते होंगे गरुड़ स्टेट सिंबल ऑफ द गुप्तास यहां तक कि जो गरुड था ठीक है उन्होंने गुप्तास ने उसको अपना स्टेट सिंबल बना लिया था अब बात करते हैं मेहरौली पिलर है उसकी जो मेहरौली पिलर है उस पर मैंशन मिलता है हमें चंद्रगुप्त सेकंड का हार्ट इस्टैब्लिश द विष्णु फ्लैग ऑन द विष्णुपद माउंटेन जिसमें हमें बताया गया है उस पिलर में हमें जानकारी मिलती है कि जो विष्णु फ्लैग है उसको फहराया गया था विष्णुपद माउंटेन्स पर ऑन द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज़ मैंशनड एंड द स्टैचू ऑफ विष्णु वॉज स्टैब्लिश बाय स्कंद गुप्त वहीं जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें ऐसा मैंशन है कि जो स्टैचू है विष्णु का उसको स्टैब्लिश किया था किसने स्कंद गुप्ता ने उसको स्टैब्लिश किया था तो ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर जो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में हर जगह देखने के लिए मिलती रहती है है अमर सिंह हैज डिस्क्राइब 42 नेम्स ऑफ विष्णु इन बुक अमरकोश सबसे पहले याद रखना है कि अमर सिंह की बुक का क्या नाम था तो अमरकोश था और उसी अमरकोश के अंदर उन्होंने विष्णु के बयालीस नामों के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है जो चालुक्य रूलर थे ईस्टर्न वेनगी के वो भी बहुत बड़े फॉलोवर थे वैश्विज्म के गरुड वॉज देयर स्टेट सिंबल है ना तो जैसे गुप्तास का स्टेट सिंबल गरुड़ था तो वैसे ही जो चालुक्य रूलर थे इनका भी जो सिंबल था वो गरुड था राष्ट्रकूट किंग दंते दुर्ग ने बहुत बड़ा एक फेमस टेम्पल बनवाया था दशवावतार जो अलोरा है वहाँ पर द स्टोरी ऑफ टेन इनकांडेशन ऑफ विष्णु और ये जो दस अवतार से पता चल रहा है कि इसमें जो विष्णु थे उनके दस अवतारों के बारे में इस टैंपल के अंदर मैंशन किया हुआ है दश अवतार चरित्र इसको कंपोज किया है श्यामेंद्र ने जो दशवावतार जो चरित्र है उसको कंपोज किया है शामेंद्र ने वेस्टर्व रिलीजन वॉज प्रोपोगेटेड इन साउथ इंडिया बाय अलवर सेंट्स जो वैष्णव जो धर्म है वैश्वनिज्म जो धर्म है उसको साउथ में फैलाया है अलवर सेंट्स ने है ना जो अलवर सेंट्स थे उन्होंने फैलाया है जो वर्ड अलवर है इसका मतलब होता है अ वाइज मैन अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो नंबर ऑफ अलवर सेंट्स थे वो कितने थे तो जो अलवर सेंट्स थे वो बारह थे ठीक है टोटल ट्वेल्व थे लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वाहरा देखिए हम सबको बताया कि जो ये जो वाहरा है इन्होंने जो मारने के लिए एक राक्षस को तो लॉर्ड विष्णु ने ही अवतार लिया था वाहरा का है ना तो ये तो याद रखना ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये किसको मारने के लिए हिंडे कश्यप को मारने के लिए एंड रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच इन द पिक्चर ऑफ द पुरान गॉड वराह हैज बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑनस्ट टीथ है ना कि वो आपको देख अगर आप उस पिक्चर को देखोगे ना तो पता चलेगा वो पिक्चर कुछ इस तरह से कि उनकी जो टीथ है ना उसके ऊपर ऐसे अर्थ को रखा होता है वो बहुत ही अच्छे से मतलब उनके टीथ पर वो जो अर्थ है वो टिकी हुई है एंड अराइजिंग फ्रॉम द सी और वो सी में से निकल रहे हैं इन दिस इंकारनेशन द हेड ऑफ द विष्णु इज ऑन द ह्यूमन बॉडी और जो यहाँ पर जो इनका हेड है वो किस पर लिखा हुआ वो ह्यूमन मतलब नीचे से वो क्या है पूरी ह्यूमन बॉडी है हैविंग फोर आर्म्स चार आर्म्स है उसमें उस, उस पिक्चर में उनकी जिसमें एक में शंख है एक में चक्र है फिर गदा है और पद्म एन इज हैंड लाइक अ गॉड विष्णु फाइटिंग विद डिमॉन हिरने कश्यप दिस इज द थर्ड इनकारनेशन इन द ऑर्डर ऑफ द इनकारनेशन ठीक है और ये इनका तीसरा अवतार माना जाता है विष्णु जी का जनन कर्मा और भक्ति सभी को तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है गीता के अंदर लॉर्ड कृष्ण प्रोडक्टेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल द थ्री इन द श्लोक ऑफ द गीता तो ये गीता का एक श्लोक है जिसमें आपको इन तीनों ही चीज़ों के बारे में तीनों ही चीज़ों की जो इक्वल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताया हुआ है इन अद्वैतवाद वेदांता शंकराचार्य हैड एक्सेप्टेड द ब्रह्मा एज द ओनली ट्रुथ जो शंकराचार्य है उन्होंने अपने जो अद्वैत जो वेदांत है उसमें एक्सेप्ट किया है कि जो ब्रह्मा है वही क्या है एक ओनली ट्रुथ है वेदांत और जो वशिष्ठ अद्वैतवाद वेदांत है वो सुप्रीमेसी मतलब वो भक्ति के सुप्रीमेसी के बारे में बताते हैं मीमांसा हैज़ ओनली प्रपाउंडेड द कर्मा जबकि जो मीमांसा है वो सिर्फ जो कर्मा है उस पर बिलीव करती है रथ यात्रा हर बार हर साल जो पूरी उड़ीसा है वहाँ पर सेलिब्रेट होता है ओके okay? कब होता है ये जो शुक्ल पक्ष साढ़ मंथ में ठीक है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ और किसके लिए होता है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए मतलब लॉर्ड कृष्णा के लिए साथ में बलराम और सुभद्रा इन तीनों की आ, के लिए जो ये रथ यात्रा है ये पूरी में उड़ीसा में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ टेम्पल्स हैं जो वैश्विज्म धर्म से जुड़े हुए हैं उनको आप देख लीजिए जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल वो पूरी उड़ीसा में है दशवतार टेंपल वो देवगढ़ यूपी में है विष्णु टेम्पल तिगवा मध्य प्रदेश विष्णु टेम्पल दूसरा ईरान एमपी द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका गुजरात में रिलीजन डिवोटेड टू इज कॉल्ड द शैव धर्म द वर्शिपर ऑफ द शिव वर कॉल्ड द शव ठीक है तो जो शिव के जो वर्शिपर है, है ना जो भगवान शिव को मानते हैं उनके फॉलोवर्स को बोलते हैं शव जो शिवा है वो ओल्डेस्ट रिलीजन है हमारे भारत का इट इज़ रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक एज तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना होगा जो इंडस वैली के टाइम के जो लोग थे वो भी शिव की पूजा करते थे इसका जो प्रूफ है वो हमें मोहन जोदड़ो से मिला है जहाँ पर हमें कुछ स्टेम मिली है जो फिगर ऑफ द योगी जिसको हमने रिलेट किया है किससे तो वो हमने उनको रिलेट किया है जो शिवा हैं उनसे कुछ त्रिशूल लाइक ज्वेलरी से मिली है थ्री फेसेस के साथ मार्शल रिलेटेड टू इट्स रुद्र शिवा जिसे ज्यादातर जो मार्शल जो मार्शल हैं उन्होंने भी इसे रुद्र शिवा के साथ यहाँ पर रिलेट किया है ऋग्वेद की बात करें तो शिवा हैज़ बीन कॉल्ड रुद्र ऋग्वेद में शिवा को ही रुद्र कहा गया है जो बहुत ज्यादा फेमस थे अपनी फेरोसिटी के लिए रुद्र हैज बीन कॉल्ड द गॉड ऑफ द यूनिवर्स जो रुद्र है उनको गॉड ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है इन द शत्रुद्रिया ठीक है मंत्र ऑफ वाजस्नेी संहिता तो वाजस्ने जो संहिता है वो हमने पढ़ी भी थी तो उसमें गॉड ऑफ द यूनिवर्स बताया हुआ है युद्ध जो रुद्र हैं उनको इन अथर्द ही हैज कॉल्ड पशुपति भव और भूपति वहीं अगर आप बात करें अथर्वेद की तो अथर्वेद में इनको पशुपति भव भूपति इस नाम से भी जाना जाता है जो महाभाष्य है पतंजलि की वो रिवील करती है डैट इन द सेकंड सेंचुरी बीसी शिवाज आइडल वॉज वर्शिप्ड है ना कि सेकंड सेंचुरी बीसी में जो शिवा की जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा की जाती थी और बहुत सारे जो नाम है शिवा के वो मैंशन है किसमें किसमें महाभाष्य में ओके महा आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्ड रुद्र महादेव गिरीश भाव सारवा त्रियम्बक ये सब किसके नाम है सब शिवा के नाम है ऑन द कॉइन ऑफ द कुशान रूलर द फिगर ऑफ द शिवा और शबा एंड त्रिशूल वर्मा जो कुशान रूलर के टाइम के जो कॉइन्स हैं उस पर आपको ये सारी ही जो फिगर्स हैं वो मिलती हैं उदयगिरी गोहा लेक शोज दैट वर्स इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड हार्ट बिल्टा शेव केव एंड द उदयगिरी हिल्स जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें जो शेवा जो थे, उन्हें जो शिव केव बनाई है उदयगिरी जो हिल्स है वहाँ पर इन द टाइम ऑफ द कुमार गुप्ता शिव शिवलिंग वॉज इस्टैब्लिश इन द कोहो एंड द कमडांडा तो जो कुमार गुप्ता के

जो बहुत ही फेमस था फेमस कंदारिया महादेव टेम्पल खजराव का उसे बनवाया था चंडेला रूलर्स ने ड्यूरिंग द रास्ट कोर्ट द फेमस कैलाश टैंपल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ट है ना तो जो ये रास्ट जो रास्ट कोर्ट है उनके टाइम के बताया हुआ है कि बहुत ही फेमस कैलाश टैंपल है जो 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 की गुफाएं हैं वहाँ पर बना हुआ है द प्रपोगेशन ऑफ अ शिवर रिलीजन वॉज डन बाय द नैनार इन साउथ इंडिया जो शेविज्म है उसको फैलाने के लिए जो तो सबसे ज़्यादा काम किया गया साउथ इंडिया में वो किया है नैनार्स ने तो नैनार्स से। जो सेंट्स हैं वो कितने हैं नंबर्स में तो वो सिक्सटी हैं और ये वो हैं जो शिवा को मानते हैं उथ इंडिया वर्शिपर ऑफ द शिवा चोला रूलर की भी बहुत ज्यादा यहां पर वो पूजा पाठ करते थे शिवा की चोला रूलर राजा राज फर्स्ट ने क्या बनवाया था राजा राजेश्वर टेम्पल भी बनवाया था तंजोर में कुल्तुंग फर्स्ट वॉज अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ शिवा रिलीजन जो कुल्लोतंग फर्स्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा जो शव है उस रिलीजन को मानते थे यहाँ पर से मतलब इन्होंने तो हदी कर दी थी कि इन्होंने जो विष्णु है उनके जो स्टैचू है उसको यहाँ से ओवरथ्रोन कर दिया था इस्टैब्लिश एड द चिदम्बरम टेम्पल इन द सी ड्यू टू हिज रेवरेंस फॉर द शिवा शिवा के लिए मतलब इन्होंने विष्णु टेम्पल को ही ओवरथ्रोन कर दिया ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंग रिलेटेड टू शव रिलिजन वॉज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो आपके पूरे जो बारह ज्योतिर् जो यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग्स हैं जो शिव रिजन से जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग पार्ट में हैं इंडिया के जैसे कि सोमनाथ नागेश्वर केदारनाथ विश्वनाथ विद्यानाथ महाकालेश्वर ओमकारेश्वर त्रिकाम्बेश्वर ठीक है भीमशंकर मल्लिकार्जुन रामेश्वरम देर आर फोर शेफ सेक्ट मैंश इन द वमन पुरान है ना चार शेफ सेक्ट भी हैं जो आपको वमन पुरान में मिलेंगे ये शेवा पशुपति कापलिक कपालिक एंड द कालुख पशुपति कम्युनिटी वॉज ऑरिजिनेटेड इन द सेकंड सेंचुरी तो पशुपति जो कम्युनिटी है वो कब से ऑरिजिनेटेड हुई द सेकंड सेंचुरी में हुई है अकॉर्डिंग टू पुरान द सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रह्मचारी नेम द लुकुलिश ठीक है तब तो, पूछा जाता है तो लुकुलिश तो ये एक ब्रह्मचार्य थे जिन्होंने सेक्ट को शुरू किया था जो इस सेक्ट के फॉलोवर थे है ना वो लकोलिश एज द कार्डनेशन ऑफ शिवा तो वो मानते थे कि जो लकोलिश है वो क्या है वो इनकार्नेशन है शिवा के वो शिवा के ही एक अवतार है द डिवोटी ऑफ द कपालिक सेक्ट वर्शिप भैरव वहीं जो कपालिक सेक्ट के जो लोग थे वो भैरव की पूजा करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये भी शिवा के क्या है एक अवतार है द फॉलोवर ऑफ दिस फिलोसफी यूज टू ईट मीट पुट एशिज ऑफ द क्रीमेशन ऑन दर बॉडी एंड द वीर द नर्म इन हैंड ठीक है तो ये लोग वो थे जो मांसाहारी भी होते थे है ना और जो डेड बॉडीज की जो क्रिमेशन की जो बाद में जो एशेज बचती है ना उसको अपने शरीर पर आ, मतलब लगा लिया करते थे वाशव इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट जो वाशव है वो कंसिडर किया जाता है आ, मतलब जो लिंगायत सेक्ट है शेविजम का तो उसके फाउंडर माने जाते हैं नाथपंथ सेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द मत्सेंद्र नाथ जो नाथपंथ जो सेक्ट है उसको स्टार्ट किया था मत्सेंद्र नाथ ने एट द एंड ऑफ द टेंथ सेंचुरी बिलीविंग शेवा अ आदिनाथ बाबा गोरखनाथ हैज़ प्रमोटेड दिस सेक्ट इन द टेंथ एंड द इलेवंथ सेंचुरी तो बाबा गोरखनाथ ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया है यहाँ पर यह टैंपल है राजा राजेश्वर टैंपल तंजोल शिव टैंपल भुमोरा मध्य प्रदेश नटराज टैंपल चिदम्बरम तमिलनाडु बिरुपक्षा टैंपल हम्पी कर्नाटका विश्वनाथ टैंपल वाराणसी यूपी ठीक है तो ये सारे यहाँ पर जो थ्योरी थी वो देखी हमने एक थोड़ा सा और है इसको और देख लेते हैं द पीपल ऑफ द शक्ति सेक्ट वर्शिप पावर को ऑफ शक्ति देखिए जो लोग थे शक्ति सेक्ट के वो किसको मानेंगे तो वो मानते थे मतलब वो पूजा करते थे गॉडेस ऑफ शक्ति की शैव धर्म हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद शक्ति धर्म तो जो शैव धर्म के जो लोग थे उनकी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप थी किसके साथ शक्ति धर्म की हमको तो बताया ना शक्ति हम किसको मानते हैं तो वो हम पार्वती को मानते हैं एंटीक्विटी ऑफ द शक्ति रिलीजन ऑल्सो गोज टू प्री हिस्टोरिक एज सिमिलर टू शविजम द वर्शिपर ऑफ द मदर गॉडेस वॉज वेरी पॉपुलर इन द इंडस सिविलाइजेशन देखिए जो मदर गॉडेस की जो पूजा है वो इंडस सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अ नंबर ऑफ द स्टैचूज ऑफ मदर गॉडेस हैज़ बीन फाउंड इन एक्सक्वेशन बहुत सारे हमें वहाँ पर स्टैचूज वगैरह मिलते हैं एक्सप्रेशन के टाइम पे और वैदिक लिटरेचर यहाँ पर हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गॉडेस के बारे में जैसे कि सरस्वती आदिति ऊषा लक्ष्मी और यहाँ पर हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ गॉडेस महात्म्या उनके बारे में पता चलता है महाभारत और पुराण से रिलेटेड ओके ये कुछ मेजर टैंपल्स है वैष्णो देवी टैंपल जम्मू कश्मीर और विन्ध्यावासनी देवी टैंपल विंध्याचल चौसठ योगिनी टैंपल भेड़ाघाट मध्य प्रदेश पार्वती टैंपल नचना कुथूर मध्य प्रदेश कामाख्या टेम्पल असम और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता ठीक है तो यहां पर देखो हमारी ये थ्योरी कलम हो जाती है अब हमारे क्वेश्चन बचते हैं खाली तो अगर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो अब तो देखो आपको कर देना चाहिए अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अपने एमसीक्यू को पहले वाले को तो फर्स्ट है यहां पर अकॉर्डिंग टू एशियन इंडियन कॉस्मोकोनिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ द फोर एपॉक्स ये हम युग बोल सकते हैं तो सबसे पहले बताया था ना कौन सा युग आता है तो सबसे पहले कृता, फिर त्रेता द्वापर और कलयुग तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉज शेव सेक्ट इन एशियन इंडिया तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन है जो शिव सेक्ट मतलब इससे जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर है जो एशियन टाइम्स है ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मत्ता मयूरा ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए फिर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज शिव सेक्ट इन एशियन इंडिया तो एशियन इंडिया में इनमें से कौन शववा सेक्ट से जुड़ा हुआ था तो माता मयूरा ठीक है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे यहाँ पर शव सेक्ट ने माता मरिया मयूरा इन एशियन इंडिया वॉज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ छेदी डायनेस्टी जब छेदी डायनेस्टी की जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर आप देखेंगे कि जो शव सेक्ट है उसको वहां पर क्या बोला गया म, आ, मत्ता मयूरा ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड है अर्ध नारीश्वरा अ फिगर ऑफ द हाफ शिवा एंड अ हाफ पार्वती ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल यूनियन ऑफ गॉड एंड गॉडेस यूनियन ऑफ गॉड विद इज शक्ति तो आंसर यही होगा यूनियन ऑफ गॉड विद इज शक्ति देखिए ये जो हमने जो नारेश्वरी जो हमने ये इनका रूप है, है ना शिव और पार्वती का हमने बहुत जो जागरण वगैरह होता है ना वहाँ पर भी देखते हैं जिसमें वो हाफ तो हमें क्या दिखाई देते हैं वो शिव जैसे दिखते हैं और आधे पार्वती जैसे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा अर्ध नारेश्वरी इज अ कंपोजिट एंड द एंड्रोगनस फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिवा एंड इथ कंसॉर्ट पार्वती इज डिपेक्टेड एज हाफ मेल एंड हाफ फीमेल स्प्लेट डाउन द मेडल द राइट हाफ इज यूजली द मेल शिवा इलस्ट्रेटिंग हज ट्रेडिशनल एटीट्यूड और बाकी जो है वो आपका सिंथेस मतलब ये पूरा जो है ये आपको मस्कुलिन और जो फेमाइल एनर्जी है दोनों को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और इलस्ट्रेट करता है कि जो शक्ति है जो फीमेल प्रिंसिपल ऑफ गॉड है ठीक है वो इनसेपरेबल है किससे शिवा से हु वन नैनास देखिए नैनास कौन होते हैं शिव हम हमको पता है ना जो शिव होते हैं उनकी जो तीसरी आँख होती है ना और वो तब खुलती है जब उनको बहुत गुस्सा आता है तो आप वैसे ही याद रखना कि जो तीसरी आँख है वो सिर्फ शिव जी के पास है मतलब नैन जो एक आ, है तीसरा वो शिव जी के पास है तो इसलिए शैव धर्म को मानने वाले क्या होते हैं नैनास होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप यहाँ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए

क्वेश्चन नंबर फाइव हु वट न्यनार अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं तो जो शेफ को मानते हैं वही न्यनार होते थे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हु मंग द फॉलिंग वॉज नॉट एन अलवर सेन तो इनमें से कौन है जो अलवर सेन नहीं है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्ञान क्योंकि हमने देखो अभी लास्ट में पढ़ा था ना त्रिग्ञान जो किससे जुड़े हुए थे यहाँ पर न्यनार से जुड़े हुए थे सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन इनमें से अलवर संत नहीं है ठीक है तो देखिए ये त्रिज्ञान नहीं है बाकी ये तीनों तो अलवर है क्योंकि ये जो त्रिज्ञान है किससे जुड़े हुए हैं तो ये नैनार से जुड़े हुए हैं ठीक है सही बताया था मैंने आपको तो पोगई पुदम और थिरुमंगल ये अलवर सेंट है जबकि जो त्रिज्ञान है वो कौ, वो कौन है वो जो किससे जुड़े हुए हैं जो नैनार से जुड़े हुए हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन हो कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट इन द डवलपमेंट ऑफ द भगवता सेक्ट सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है भगवता सेक्ट के बारे में कि उनके डेवलपमेंट के बारे में तो किसने सबसे ज़्यादा दिया है तो वो है ऑप्शन नंबर डी गुप्ता ठीक है हमने कहा था ना कि ये लोग तो बड़े बड़े टाइटल्स भी लेते थे परम भगवता इस तरह के टाइटल्स भी लेते थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो अपना जो गरुड है उसको अपना स्टेट सिम्बल भी बना दिया था तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा द ऑरिजिनेटर ऑफ द भगवत रिलीजन वॉज द ऑरिजिनेटर कौन है कृष्णा ट्रेडिशली ऑरिजिनेटर ऑफ द भगवत रिलीजन वॉज विष्णनी डिस दॉर्ड कृष्णा हुई इज ऑल्सो नोन एज द वासुदेव ही फ्रॉम मथुरा ही हैज बिन डिस्क्राइब द सन ऑफ द देवकी एंड द डिसिपल ऑफ द घोर अंगेरसा इन द छो गया उपनिषद ठीक है तो उनके जो उनके गुरु कौन थे तो घोर अंगेरसा ठीक है उनके डिसिपल थे विच ऑफ द फॉलोइंग एपिकज प्राइमरली मैंशन कृष्ण असन ऑफ देवकी तो ऊपर अब हमने पढ़ा तो ऑप्शन नंबर पी हमारा सही हो जाएगा छंदो गया उपनिषद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वर द फर्स्ट वर्षिप ऑफ वासुदेवा कृष्णा तो पहली बार जो वासुदेव जो कृष्णा है उनकी पूजा कहां पर की गई है मतलब किसके किसने की है तो वो थे भगवतास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भगवतास अंडर द भगवता रिलीजन द इनिशियल फॉर्म ऑफ द वैश्विज्म इज शोन इन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड कृष्णा तो पहली बार जो भगवता रिलीजन है जो एक इनिशियल फॉर्म है वैश्विजम की उसी में पहली बार किसकी वर्शिप दिखाई है तो लॉर्ड कृष्णा की जो पुत्र थे देवकी के द इनिशियल नेम ऑफ कृष्णा वॉज प्रिविलेंट इन द पनी एज एंड द वर्शिपर ऑफ द वासुदेवर नॉन एज द वासुदेव जो वासुदेव जो वर्षिपस थे उनको वासुदेवक बोलते थे अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ जो लॉर्ड कृष्णा है उनको कंसिडर किया है सुप्रीम पर्सनैलिटी की तरह Who among the following uh, deities is represented in art as a holding the plug? देखो ये कौन थे ये बलराम थे जो कृष्ण जी के भाई थे बलराम उन्हीं के पास हम क्या देखते हैं कि अपने हाथ में वो जो प्लग है उसको पकड़ के रखते थे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ भक्ति इन द भगवत कल्ट है ना तो नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति के बारे में बता रहा है कि भगवत कल्ट में कितनी बताई हुई है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नो no. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसन अगर इंस्क्रिप्शन ऑफ द हेलियोडोरस एज एसोसिएटेड विथ तो वो किससे जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े हुए तो हैं सिर्फ वासुदेव से तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा वासुदेवा से

दक्षिला के जो रूलर थे उनके बारे में बताया हुआ है द अर्लीस्ट नॉन एपी एविडेंस ऑफ भगवतिज्म तो इसका आंसर भी वही है जो ऊपर पढ़कर आए हैं तो गरुड पिलर एट वेशनगर से ऑप्शन उप, नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका हेलियो of ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वॉज रेसिडेंट ऑफ तो वो है आपका तक्षशिला मैंने बताया तक्षशिला के बारे में है ना जो यहाँ पर हमारे कुछ एम्बेसर वगैरह भी थे जो बाहर देशों के थे तो उन्होंने भगवत जो रिलीजन है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपेक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी तो वो है वराहा ऑप्शन नंबर सी जिसमें वो हिरण्य कश्यप का वध करने के लिए, लिए, लिए करने के लिए इस रूप में आए थे तो ये वैसे मैंने आपको ऊपर सब कुछ पढ़ा दिया है ना कि वो किस तरह से उनकी जो फॉर्म है वो यहाँ पर जो वो फॉर्म लेते हैं वरा की लेते हैं जिसमें वो हिरने कश्यप जो राक्षस होता है उसको मारते हैं और यहाँ पर अगर आप इनकी इस रूप वाली फोटो में देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो ना एक समुद्र में से ऐसे निकल रहे हैं और एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो उनका फेस है उस पर मतलब लंबे से टीथ है और उसके ऊपर ना अर्थ को बैलेंस किया हुआ है

कर्म और भक्ति तो, तो ये जो इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है इन तीनों को ही तीनों ही चीज़ों को ठीक है ना लिब्रेशन के लिए तो वो बताया हुआ भगवत गीता में तुम्हारा पहले हम सबसे पहले थ्योरी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी है ना तो भगवत गीता में इन तीनों ही चीज़ों को बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है अगर आप लिब्रेशन चाहते हो तो द डॉक्ट्राइन ऑफ अपूर्वा इज रिलेटेड टू तो जो डॉक्ट्राइन से अपूर्वा के वो किससे जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं मीमांसा से जो वर्ड अपूर्वा है एक टेक्निकल टर्म है जो रिलेटेड है पूर्व मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलासफी से तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई ये मैच द फॉलोइंग है अष्टधाई महाभाष्य निरुक्ता ठीक है और ये व्रतिका तो यहाँ पर आपको बताना है ये पूरा का पूरा ठीक है ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो अष्टधाई है देखिए वो अष्टधाई जो है वो है पनीनी की ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका ये ये फोर वाला ठीक है एक सेकेंड पनीनी ठीक है और महाभाष्य पतांजलि ठीक है तो पतांजलि का क्या है महाभाष्य है जो निरुक्ता है वो है का ठीक है और जो वर्तिका है वो है कत्यायन ठीक है ना कत्यायन ठीक है तो अष्टधाई पनीनी महाभाष्य पतांजलि निरुक्ता यशका और दववर्तिका ये है कत्यायन ओके तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो आपका ए है वो सही हो जाएगा आगे देखते हैं ये भी आपको यहां पर क्या करना है मैच द फॉलोइंग है है एक तरफ लिस्ट मैचोइंग सबसे पहले हम देखते हैं जो वल्लभ आचार्य है वो किससे जुड़े हुए है? हैं तो वल्लभ आचार्य जो जुड़े हुए है हैं वो है पुष्टि मार्ग किससे जुड़े हुए हैं पुष्टि मार्ग वल्लभ आचार्य पुष्टि मार्ग उसके बाद है रामानुज रामानुज यहां पर जुड़े हुए हैं विशिष्ट अद्वैत अद्वैत ठीक है ना विशिष्ट अद्वैत उसके बाद है यहाँ पर माधवाचार्य माधव जो माधवाचार्य हैं वो जुड़े हुए हैं द्वैतवाद से किससे द्वैतवाद से शंकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं अद्वैतवाद से ठीक है शंकराचार्य है वो अद्वैतवाद से तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग रामानुज विशिष्ट अद्वैत और यहाँ पर माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई वॉज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत तो अभी हम ऊपर बढ़कर आए हैं जो विशिष्ट अद्व्यतवाद है उसके फाउंडर कौन है वो दिया था वह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओके इट इज अ संस्कृत टर्म विच मीन नॉन ड्यूलिज्मी है और ये संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है नॉन ड्यूलिज्मीक है विद डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पर यह बारे में बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच इज़ कॉल्ड द लोकायत दर्शन तो जो कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाए ये इसे मतलब विच इज़ कॉल्ड लोकायत दर्शन तो वो है चर्वा का ठीक है ना चरवा का तो so, ये चरवाका इज अ के कैरेक्टराइज इज मटेलिस्टिक एंड द एथेस्टिक स्कूल ऑफ थाट ही वॉज द फाउंडर ऑफ द लोकायत फिलोसफी तो जो ये लुकायत फिलोसफी है लुकायत दर्शन है इसके फाउंडर कौन थे चरवाका एंड एक्सेप्टेड डायरेक्ट परसेप्शन एज द श्योरेस्ट मैथड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग इट इन्जिस्ट ऑन अ जॉय लिविंग तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिड इन परास्थान तराई जो बताया कि इनमें से कौन है जो परास्थान जो तराई है उससे जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ तो यहाँ पर जो आपका परस्थान तराई से जुड़ा हुआ नहीं है वो है भगवता ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा भगवता ओके okay? ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा बाकी तीनों किसम आते हैं प्रस्थान जो तराई है उसमें आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे पढ़ लेते हैं उपनिषद ब्रह्मसूत्र भगवद गीता आर सेट टू तो बी द प्रस्थान तराई ऑफ द वेदांत बिकॉज दीज आर द मेजर एपिक्स ऑफ द विधानता अमंग दैम द उपनिषद इज द प्राइम प्रस्थान एंड द रिमेनिंग टू आर नॉन टू बी बेस्ड ऑन इट शंकराचार्य इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल द एंड आचार्य हु द वेदांता हुए राइटिंग द ग्लोस ऑन अ ब्रह्मसूत्र द एशियन प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ द नरे एंटायर महाभारत वॉज रीड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्सटी थाउजेंड हर्मिट्स तो ये है नैमी श्रनाया ठीक है ना तो जो एशियन प्लेस है वी आर द नरेशन ऑफ द एंटायर महाभारत वॉज रीड मतलब तो यहां पर जो महाभारत पूरी पढ़ी गई थी इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्सटी थाउजेंड हर्मिट तो ये कौन सी है नैमी शरायना और ये कहाँ पर है तो ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी में है ठीक है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है इट कंसिडर टू बी द रेसिडेंस ऑफ सिक्सटी थाउजेंड हर्मिट इसे तो रेसिडेंस माना जाता है उन सिक्सटी थाउजेंड हरमिट्स का सुत गोस्वामी नेरेटेड द एंटायर महाभारत और ये पूरी की पूरी जो महाभारत है किसने नैरेट की थी तो ये की थी सुत गोस्वामी ने किसके सामने की थी तो शौनक और जो दूसरे हर्मिट्स थे उनके सामने वैन ही

तो काली का पुराण को हम क्या बोलते हैं काली पुराण भी बोलते हैं सती पुराण भी बोलते हैं और काली का भी तो आपको आप ध्यान रख सकते हो ये शक्ति के ही सारे रूप थे विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान तो बताना है कि रामायण का कौन सा ऐसा कांड है जो हमें यह बताता है कि जो राम और हनुमान है है ना उनकी मीटिंग के बारे में हमें किस में पता चलता है तो ये वो है आ, किश्किंडा कांड ठीक है तो ना किशकिंडा कांड में हमें बताया हुआ है जब पहली बार राम जी हनुमान जी से मिले थे ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा वाल्मीकि वॉज द ऑथर ऑफ द रामायण दे आर टोटल ऑफ सेवन कार्ड इन द आदि काव्य रिटर्न इन संस्कृत द फोर्थ कार्ड ऑफ दिस काव्य इज द किश किडन तो ये फोर्थ

ठीक है वो कौन सी रिवर पर लगता है नासिक में तो वो है गोदावरी टीवर जो कुंभ मेला नासिक में लगाया जाता है वो गोदावरी रिवर है उसके पास लगाया जाता है उज्जैन की बात करें यहाँ पर तो ये शिप्रा नदी में और गंगा तो हरिद्वार में और गंगा यमुना वाले इसमें तो प्रयाग में तो ये बाकी जगह भी लगता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द अनंग तो यहाँ पर जो अनंग है वो किसे कहा गया था वो काम ठीक है ना काम जो कामदेव थे यहाँ ऑप्शन टिक कर लेते हैं पहले काम ठीक है तो जो अनंग है ये काम से जुड़ा हुआ है द कामदेव इज द हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव और डिजायर जो रती इज द वाइफ ऑफ द कामदेव अदर नेम इन द द रेफरेंस टू कामदेव आर अनंग तो कामदेव को ही अनंग के नाम से कहा जाता है कंडरपा uh, मडाना और मनमथा ओके okay? यहाँ पर मैचा फॉलोइंगे इसको हमें देखना है तो कौन सा किससे सही होगा तो अब जो जेनिज्म है जेनिज्म से आप किसको जोड़ोगे तो वो है पावापुरी ठीक है जेनिज्म से पावापुरी हो जाएगा आपका और यहाँ पर जो हिंदुज़म है हिंदुज़म से आपका एक सेकेंड जरा हाँ जो हिंदुज़म है उसे वाराणसी देखिए हम सबको पता है हिंदुज़म के लिए जो वाराणसी वगैरह है गंगा आरती वगैरह कितनी फेमस है इस्लाम मदीना और जो क्रिश्चियनिटी है वो वेटिकन नाम से पता चल रहा है जैनिज्म पावापुरी ओके तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा मदीना इज़ ए सिटी लोकेटेड इन द हिजाज रीजन ऑफ द सऊदी अरेबिया जाते हैं लोग मक्का मदीना के लिए जाते हैं इट इज़ द सेकंड सेंश सिटी ऑफ द इस्लाम रीजन आफ्टर मक्का तो मक्का के महा दूसरी सबसे पवित्र जो इनके लिए माना जाता है जहाँ ये यात्रा वगैरह करते हैं तो वो मदीना है वेटिकन सिटी इज अ सॉवरन कंट्री लोकेटेड इन इटली वहीं जो वेटिकन सिटी है वो एक सॉवरन कंट्री है और वो इटली के के अंदर लोकेटेड है विद अ टोटल एरिया फोर्टी फोर हेक्टर्स और विच इज़ ऑल्सो द स्मालेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना तो अपने आप में कंट्री है और सबसे छोटी कंट्री है ये पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी इट इज़ रूल्ड बाय द बिशप ऑफ द Home, who is also as Pope. Or, वहाँ पर जो चर्च में जो पोप होते हैं ना वही सिटी को रूल करते हैं इसे कैपिटल uh, भी माना जाता है रोमन कैथोलिक चर्च का जो पावापुरी है वो होलियस्ट प्लेस है जीन के लिए लोकेटेड है आपका राजगीर से थोड़ा सा दूर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर थर्टी एट किलोमीटर्स पहले पड़ जाएगा जो फाउंडर है जेनेजम की महावीर स्वामी उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर पावापुरी में फिफ्टी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन सेंचुरी में तो उसके लिए जो ये है जो पावापुरी है वो जेन जो जैनिज्म है हमने उससे उसे जोड़ा जो वाराणसी है वो एक होलीस्ट प्लेस है हिंदूज के लिए जो लोकेटेड है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा रिवर एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर इन द एशियन टाइम तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पूरा जो ये भगवत रिलीजन था और से जुड़े जो भी एम सी खत्म हो चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्स सेंचुरी बी सी ई पॉलिटिकल कंडीशन हम हम पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे सारी की सारी जो बुद्धिस्ट जैनिज्म के टाइम पर पूरी की पूरी चली तो वो तो हमने ये अभी रिलीजन के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कि इस वाले टाइम में और पॉलिटिकली जो चीज़ें थी वो इस तरह वर्क कर रही थी तो आज के लेक्चर में इतना ही आपको कैसे लगा प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो दो चार लोग के साथ और शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना थैंक यू